कैसे बाबर भैया, तेरी जगह मैं खेलूंगा, नाम है मेरा कामरान गुलाम, देखना मैं अंग्रेज के बच्चों को गुलाम कैसे बनाता हूँ, तेरे बस की बात नहीं। एक बार तेरी जगह मैं खेल गया, उसके बाद तेरी जगह खत्म, तेरा नाम खत्म, मैं करूंगा नाम रोशन। अरे कामरान भैया, खेल ले, शौक पूरा कर ले, लेकिन भूतने के कुछ भी नहीं होगा, तेरे से भी कुछ नहीं होगा, सामने इंग्लैंड वाले लुल कर देंगे, खुश नहीं हो, फोकड़ में बैठ के रोएगा, यही दो मैच खेलेगा, होगा कुछ नहीं, उसके बाद तेरा नाम गुम होगा, हम फिर आ जाए। अरे भस्कर बाबर भैया, तुम लोगों ने बहुत कर ली अपनी मनमानी, हद हरामी कर करके, जानबूझ के लुल हो के सत्यानाश किया। भैया कप्तान मैं हूंगा, कामरान गुलाम को बोलूंगा चल एक बार, ये चल जा भैया, तेरा नाम भी कोई लेना गवारा नहीं करेगा। अरे शान के बच्चे, तू भस्कर, तुम भी टीम नहीं होगा भूतनी की, अब तू बोलेगा मैंने 150 बनाया, एक बार में 150 बना लिया तो क्या हुआ, भूतनी के लगातार 6 मैच हार गया, अब कप्तानी करेगा मैं और बढ़िया करके, और कामरान गुलाम से कुछ नहीं होगा, मैं बाबर को वापस लाऊंगा, तू भस्कर तू जाएगा पक्का। अरे रसवान भैया, तुम भी भस्कर ज्यादा टेंट नहीं करा रहे, भूतनी क्या तेरे को भी निकाल देंगे, तूने कौन से रन बनाए, तेरी जगह कप्तानी मैं कर लूंगा और विकेट कीपर भी मैं हूँ, और भैया इमाम उल हक को स्क्वाड में शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये अभी तक शामिल नहीं हुआ, तू भी जाएगा इनके साथ खेल लेने। हाँ सरफराज भैया, कुछ करो यार, कप्तानी लो और टीम को भी कुछ सुधारो, और मेरे को भी वापस लेके आओ, इनके बस की बात नहीं है, मेरे अलावा कौन है जो बढ़िया ओपनिंग करे, भैया मेरे को ले आओ ओपनिंग पे, देखना मेरा कमाल है, रजवान को जाने दो। हाँ सरफराज भैया, फिर मेरा सत्यानाश नहीं करना, क्योंकि मैं श्यामल रूप की जगह खेलने वाला हूँ, सुनो इमाम आते मेरे को किसका डालो, अब्दुल्ला शफीक को भी खिला लेना, लेकिन उसको रजवान की जगह बल्लेबाजी करना, इनको लुल करो, मेरा बड़ी मुश्किल से चांस बनना है, खत्म नहीं करना। फुरेरा भैया क्यों टेंशन ले रहा, अब पाकिस्तानी टीम में परिवर्तन आ रहा, धीरे धीरे आज नहीं तो कल कोई बढ़िया कप्तान बन जाएगा, तेरे को भी मौका मिलेगा, फिलहाल दूसरे मैच में शाइन और नसीम भैया तुम्हारी जगह मैं खेलूंगा, तुम तो बिल्कुल लुल हो, मैं कन्फर्म हूँ खेलूंगा। अरे बस कर मीर हमजा भैया, भूतनी वालो समझ जाओ, अरे हमारे बिना ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, भूतनी वालो इंग्लैंड वाले मार मार की तुम्हारी कमर तोड़ डालेंगे, पॉकेट में तुमको खुजली है, देखना क्या हाल होता है, फिर समझोगे। छोड़ यार नसीम भैया, ये ऐसे नहीं मानेंगे, जब इंग्लैंड वाले मार मार के इनका नचोड़ के जूस बनाएंगे, फिर इनको पता चलेगा, हमसे भी घटिया हाल इनका होगा, फिर देख लेना मैनेजमेंट वाले दोबारा हमारे जैसी प्लेयरों को खिलाएंगे, इनके बस की बात नहीं। हाँ हुरेरा भैया, तुम भी ज्यादा टेंट निकले, एक मैच में 200 रन लगाए थे, वैसे मैच था, अब ऐसे भूतने वालों, हमने भी कहर मचाया था, लेकिन इंटरनेशनल मैच में फट जाती है, बड़ी मुश्किल से हमारा बल्ला चलने वाला था, ताकि हमको हटा रहे हैं, लगता कुछ नहीं होगा इस टीम का। छोड़ यार सहमयू भाई, हमारे बिना खेलने तो इनको एक ही मैच उतरी फट जाएगी, फिर मैनेजमेंट की भी फटेगी आंखें खुली की, दोबारा हमको ही बुलाएगा, इनके बस की बात नहीं। और रजवान भैया तू भी आ जा हमारे साथ, शान मसूद को करने दे कप्तानी, थोड़ा और जलील होने दे इसको। अरे बाबर भैया, पहले कम जलील हुए हैं तुम्हारे साथ, अब और हमको भी नहीं जलील होने होना, हम भी नहीं खेलेंगे ना कप्तानी करेंगे, सरफराज भी है तू कर ले कप्तानी, तेरे को बहुत खुजली ना, तेरे को नहीं खिलाते, अब खेल और कप्तानी भी कर, फिर पता चलेगा तेरे को। अरे बस कर शान के बच्चे, हमारा नाम सरफराज अहमद है भूतनी के, एक बार कप्तानी मिलने दे, तुम्हारे जैसों को मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगा, भैया धब्बा धब्बा टीम में तुम अपनी जेबें भरते हो, देखना मेरा कमाल, कप्तान बनने दो बस। पहले तो 2017 की केवल एक चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, अब 2040 तक तमाम चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी जीतूंगा, बल्कि 2040 तक कोई मैच भी नहीं हारूंगा, ना टेस्ट ना ओडी ना T20 न्यू रिकॉर्ड बना के जाऊंगा, 2040 तक खेलूंगा इंशाल्लाह। अरे सरफराज भैया इतना जज्बाती मत हो, मुझे लगता है ये गसे पिटी प्लेयर रहेंगे, गसे पिटी मैनेजमेंट रहेगी, गले सड़े चेयरमैन रहेंगे, ये क्रिकेट पाकिस्तान की इसी तरह चलती रहेगी, इसी तरह सत्यानाश होता रहेगा, इसी तरह हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती होती रहेगी, और हमारे जैसे प्लेयरों को मौका नहीं मिलेगा, ये भूतनी के बेशर्मों की तरह खेलते रहेंगे, हारते रहेंगे, बेइज्जती करवाते रहेंगे। अबे भूतनी वालों तुम ही शर्म कर लो, सन्यास ले लो, छोड़ दो क्रिकेट की जान, ताकि हमको मौका मिले, हम कुछ बढ़िया कर लें। वाह कामरान गुलाम भाई, हमसे ज्यादा तू जज्बाती हो गया, वैसे हम दोनों का जज्बाती होना बनता है यार, क्योंकि हम दोनों सच्चे हैं भाई, आपको क्या लगता है हम दोनों सही बोल रहे हैं ना, अपनी राय का कमेंट में इजहार जरूर कर देना, और वैसे भाई ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।